स्टूडेंट्स, आज के हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस, दैट मींस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, और हमने देखा था कि जो डबल फर्टिलाइजेशन में जो ट्रू फर्टिलाइजेशन है, ट्रू फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा था, एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा और किसका फॉर्मेशन कर देता है, जायगोट का फॉर्मेशन कर देता है। कि जो जायगोट फॉर्म होता है, यह है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आपकी, और साथ ही साथ कैसी है, ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंगल सेल है, और ये सिंगल सेल कैसी है, डिप्लॉयड। अब यहाँ पे आपके पास जो ट्रू फर्टिलाइजेशन से तो क्या बन गया था, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ था, और जो ट्रिपल फ्यूजन से उससे किसका फॉर्मेशन हुआ था, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, जो कि आगे किसका फॉर्मेशन कर रहा था, एंडोस्पर्म। और यह जो एंडोस्पर्म है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या देगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। जो जायगोट बनता है, यही जायगोट आगे क्या करेगा, आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा। तो देखिए क्या होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, कि यूनिसेलुलर डिप्लॉयड जायगोट से आपका मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, आपका एम्ब्रियोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है। देखिए इसकी प्रोसेस देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है, लेकिन इससे पहले देखिए जो स्टडी थी आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस की, सबसे पहले वो किसने की थी, साइंटिस्ट का नाम क्या है उसका, हेनस्टीन। जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टडी की थी उसका नाम क्या है, हेनस्टीन। हेनस्टीन साइंटिस्ट ने क्या किया, एक प्लांट था जिसका नाम क्या था, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। ये क्रूसीफेरी फैमिली का प्लांट है, डाइकोटिलेडन्स प्लांट है। इस प्लांट में क्या किया था, एम्ब्रियोजेनेसिस का स्टडी किया था। अब एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, या डाइकोट प्लांट में कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस में किस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ, देखिए स्टडी करते हैं। देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए हम देखते हैं, देखो हमारे पास ओव्यूल था, डाइकोट प्लांट में ओव्यूल था। इस ऑव्यूल में क्या था, यहाँ पे आपके पास एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक में आपके माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या प्रेजेंट थी, यहाँ पे आपके जो एक्सेल है, इस एक्सेल ने क्या किया, मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके क्या बना दिया, आपका डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन कर दिया। किसका फॉर्मेशन हो गया, जायगोट का। जायगोट कैसी सेल है आपकी, डिप्लॉयड सेल है और यूनिसेलुलर सेल है। अब इस सेल में माइटोटिक डिविजन होंगे, और माइटोटिक डिविजन से क्या हो जाएगा, आपकी पॉली सेलुलर कंडीशन आ जाएगी। एक सेल से बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन, मल्टी सेलुलर कंडीशन आ जाएगी, और मल्टी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा वो कैसा होगा आपका, ट्रांसवर्स। कैसा डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स। अब इससे पहले हमें ट्रांसवर्स डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, एंटीक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन, इन डिवीजन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखिए हमारे पास कोई सेल है, अगर इस सेल के हॉरिजेंटल में कोई डिवीजन होता है, सेल में हॉरिजेंटल कोई डिवीजन होता है तो क्या बोल देते हैं इसे, ट्रांसवर्स डिवीजन, जिसे टीएस से शो करते हैं। कोई सेल है, इस सेल में अगर कोई वर्टिकल डिवीजन हो रहा है तो इसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कह देंगे, या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कह देंगे। इसी तरीके से आपके पास सेल्स है, सेल्स की एक लेयर है, क्लियर है। अब इस सेल की लेयर में ये न्यूक्लियस हो गए हमारे पास, अगर जो सेल की सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, सेल के सरफेस के परपेंडिकुलर डिवीजन होते हैं तो इसे बोल देते हैं एंटीक्लिनल डिवीजन। क्या बोल देंगे इसे, एंटीक्लिनल डिवीजन। देखिए और इसी के जैसे आपके पास सेल सरफेस है, इसमें क्या हुआ, सरफेस के सरफेस के पैरेलल कोई डिवीजन हो गया तो क्या बोल देंगे इसे, पेरिक्लिनल डिवीजन। ये कौन सा डिवीजन हो गया, पेरिक्लिनल, और ये कौन सा हो गया, एंटीक्लिनल। तो हमने कौन कौन से डिवीजन देखिए, देखिए अगर आपके पास सेल में हॉरिजॉन्टल कोई डिवीजन हो रहा है तो क्या बोल देंगे इसे, ट्रांसवर्स। अगर सेल में वर्टिकल कोई डिवीजन हो रहा है तो क्या बोल देंगे, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अगर सेल की सरफेस के लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है तो क्या बोल देंगे, एंटीक्लिनल। और सेल के सरफेस के पैरेलल डिवीजन होता है तो क्या बोल देता है इसे, पेरिक्लिनल डिवीजन कह देता है। अब जायगोट में जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा वो कैसा हो जाएगा,
ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। तो देखते हैं इसमें, देखिए ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो एक सेल से कितनी सेल का फॉर्मेशन हो गया, टू सेल्स फॉर्म हो गई। लेकिन यहाँ पे जो सेल्स फॉर्म हुई है वो कैसी है, आपकी सेम साइज की नहीं है। इरेगुलर डिवीजन हुआ तो टू डिफरेंट साइज की सेल्स आपको मिलती है। तो यहाँ पे जो अपर सेल है वो तो कहाँ पे होगी, चैलेजल के पास, चैलेजल एंड के पास, और जो लोअर सेल या बेसल सेल है वो कहाँ होगी आपके, माइक्रोपाइल एंड के पास। कहाँ हो जाएगी ये, माइक्रोपाइल एंड के पास। जो चैलेजल एंड के पास जो सेल है उसे हम क्या बोल देते हैं, एपिकल सेल। ऊपर है तो क्या बोल दिया, एपिकल सेल। ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है इसलिए इसे एम्ब्रियोनिक सेल भी बोल सकते हैं आप, और क्या बोलते हैं इसे, एम्ब्रियोनिक सेल। क्योंकि जो एपिकल सेल है यही सेल क्या करेगी, आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। लेकिन जो नीचे की तरफ सेल है माइक्रोपाइल एंड की तरफ, वो क्या है आपकी, बेसल सेल, बेस बना रही है। तो कौन सी हो जाएगी, ये बेसल सेल। आगे जाके सस्पेंसर का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए इसे क्या भी कह सकते हैं आप, सस्पेंसर सेल भी कह सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ हमारे पास, द फर्स्ट डिवीजन इन जायगोट इज ट्रांसफर। और जैसे ही ट्रांसफर डिवीजन हुआ तो दो सेल्स बन गई, द अपर सेल इज कॉल्ड एपिकल सेल एंड द बॉटम सेल इज कॉल्ड बेसल सेल। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इस एपिकल सेल में और बेसल सेल में डिवीजन होगा, लेकिन जो एपिकल सेल है वो कहाँ पे अरेंज है आपके, चैलेजल एंड की तरफ, और बेसल सेल कहाँ अरेंज है आपके, माइक्रोपाइल एंड की तरफ। अब एपिकल सेल पे डिवाइड होगी और बेसल सेल पे डिवाइड होगी, लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि एपिकल सेल में जो डिवीजन होंगे वो तो कैसे होंगे आपके, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, और जो आपके बेसल सेल में डिवीजन होंगे वो कैसे होंगे आपके, ट्रांसवर्स डिवीजन। क्लियर है, एपिकल सेल में वर्टिकल डिवीजन होंगे, लॉन्गिट्यूडनल होंगे, जबकि बेसल सेल में कैसे होंगे, हॉरिजॉन्टल डिवीजन होंगे। अब देखते हैं डिवीजन के बाद क्या कंडीशन आती है। देखिए ऊपर वाली सेल में कैसे हो गया, अपर सेल में आपके पास लॉन्गिट्यूडनल, तो कुछ इस तरीके से डिवीजन होगा। तो जो आपके पास सेल की कंडीशन आएगी वो किस कुछ इस तरह की आ जाएगी, देखिए ऊपर वाली सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ तो दो सेल बन गई, और नीचे वाली में कैसा हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे आपको जो सेल मिलेगी वो जो आपके पास जो आपको एम्ब्रियो मिलेगा वो कौन सी कंडीशन में मिलेगा, टी शेप्ड एम्ब्रियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए टी के समान, टी के सेम कैसे कंडीशन हो गई आपकी, तो क्या बोल दिया इसे, टी शेप्ड एम्ब्रियो कह दिया। अब जो अपर सेल है जिसमें दो सेल्स थी, इसमें दोबारा कौन सा डिवीजन होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लेकिन पहले वाले की कैसे होगा आपके, वर्टिकल में होगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन हुई, इसमें डिवीजन से टी जो टी शेप्ड जो आपकी स्ट्रक्चर बनी इसमें डिवीजन होगा, और डिवीजन से क्या हुआ आपके पास, फोर सेल्स बन गई। तो जो ये कंडीशन, इसे क्या बोल देंगे हम, क्वाड्रेंट। क्या बोल दिया इस कंडीशन को हमने, क्वाड्रेंट। देखिए जो जो बेसल सेल थी, बेसल सेल में डिवीजन होगा और लंबी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपकी बन जाती है, जिसकी जो बेसल सेल है वो थोड़ी सी स्वेल होती है। क्लियर है, इसमें दोबारा डिवीजन होगा, आपके दो सेल से चार सेल्स बन गई, अब फोर सेल से कितनी सेल्स बन जाएंगी, एट सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पे एट सेल कंडीशन बन गई आपकी, आपके एम्ब्रियोनिक सेल ने आठ सेल बना ली है, और नीचे भी आपके क्या हुआ, आठ सेल का फॉर्मेशन हो गया। इस आठ सेल में जो लंबी स्ट्रक्चर बन रही है इसे क्या बोल देते हैं हम, सस्पेंसर। क्या बोलेंगे इसे, सस्पेंसर। इस सस्पेंसर की जो बेसल सेल है, जो प्राइमरी सबसे पहली सेल है, वो स्वेल होकर फूल जाती है आपकी, थोड़ी स्वेल स्ट्रक्चर बना लेगी, और क्या बोल देंगे इसे, सकर सेल। क्या बोलेंगे इसे, सकर सेल। ये सकर सेल क्या करेगा, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट को सक करने का काम करता है। साथ ही साथ सस्पेंसर की जो फर्स्ट सेल जो आपकी एम्ब्रियोनिक सेल्स के साथ जुड़ी हुई होती है, कनेक्ट होती है, उसे क्या बोल देते हैं हम, हाइपोफाइसिस। इसको क्या बोल देंगे हम, हाइपोफाइसिस। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले जायगोट में डिवीजन हुआ,
और जायगोट में फर्स्ट डिवीजन कैसे हुआ आपका ट्रांसफर, तो ट्रांसफर डिवीजन के जो रिजल्ट में उसमें क्या हुआ, द अपर सेल इज कॉल्ड एपिकल सेल एंड द बेसल सेल इज एंड द लोअर सेल इज कॉल्ड बेसल सेल. अब एपिकल सेल इज सिचुएटेड टुवर्ड्स चैलेजल एंड द बेसल सेल इज सिचुएटेड टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड. इतना क्लियर हुआ. अब देखिए एपिकल सेल डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली एंड द बेसल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली. इतना क्लियर हो गया अब आपके. ठीक है, अब यहां से इससे क्या हुआ आपकी टी शेप्ड स्ट्रक्चर बनी, इसमें फर्दर डिवीजन हो जाएगा और आपके फोर सेल्स क्या होती है बन जाती है. तो इस कंडीशन को क्या बोल देंगे हम, क्वाड्रेंट बोल देंगे. अब इस क्वाड्रेंट में दोबारा डिवीजन होगा और आपके पास एट सेल की स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे क्या बोल देते हैं हम ऑक्टेंट. क्या बोल देंगे इसे, ऑक्टेंट. इस ऑक्टेंट में जो आपकी बेसल सेल है एक लंबी स्टॉक लाइक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना देगी जिसे हमने क्या बोल दिया, सस्पेंसर. क्लियर है. अब जो सस्पेंसर है ये 7 to 10 सेल्स की आपकी स्ट्रक्चर है. इस सस्पेंसर की जो नीचे वाली जो फर्स्ट सेल है वो स्वेल हो जाएगी और क्या फॉर्म कर देगी, सकर सेल का फॉर्मेशन कर देती है. ये सकर सेल क्या करती है, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने का काम करती है. एंड द सस्पेंसर सेल सिचुएटेड टुवर्ड्स द एम्ब्रियो, ये जो आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी तो एम्ब्रियो की तरफ सकर सेल की सस्पेंसर की जो सेल सिचुएटेड होती है उसे क्या बोल देते हैं, हाइपोफाइसिस. ये हाइपोफाइसिस क्या करेगा, आपके जैसे ही एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर का फॉर्म होगा तो इसमें क्या करेगा, ये रूट का एपेक्स वाला फॉर्मेशन बताएगा या रूट के कैप का फॉर्मेशन करता है. अब देखिए फर्दर इसमें डिवीजन होगा, फर्दर इसमें डिवीजन होने से क्या हो जाएगा, एट सेल कंडीशन थी ये, कितनी सेल की कंडीशन थी, एट सेल की. तब कितनी सेल्स की कंडीशन बन जाएगी, 16 सेल की स्टेज बन जाएगी. तो देखते हैं फर्दर आगे डिवीजन. हमारे पास 8 सेल स्टेज हो गई थी, अब हम बात करते हैं 16 सेल स्टेज की. देखिए इस 16 सेल स्टेज में कितनी सेल्स की स्टेज हो गई है, 16 सेल. तो एम्ब्रियो में ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऐसे क्या बोल देते हैं इसे, ग्लोबुलर स्टेज. और प्री एम्ब्रियो या प्रो एम्ब्रियो स्टेज भी इसे बोल दिया जाता है. अब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट जो लेयर बनती है प्रो एम्ब्रियो की, जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे क्या बोल देते हैं हम, डर्मेटोजन. जो आउटर मोस्ट लेयर से क्या बोल देंगे, डर्मेटोजन. द 8 सेल एक्सट्रा लेयर कॉल्ड डर्मेटोजन एंड दिस डर्मेटोजन लेयर फॉर्म आउटर लेयर या आउटर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है. अब जो अंदर की जो लेयर है, जो सेकंड लेयर है अंदर, जो इसका ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कॉर्टेक्स वगैरह फॉर्म करेगा. तो जो ग्राउंड टिश्यू के लिए जो स्ट्रक्चर ऐसे क्या बोल देंगे, पेरिप्लेन. और इसका जो इनर पोर्शन है, जो अंदर वाली सेल्स है, क्योंकि कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं, इसे क्या बोल देते हैं हम, लीरूम. तो हमने हेंस्टीन की थ्योरी पढ़ी थी, हिस्टोजन थ्योरी, तो उसमें हमने देखा था कि तीन आपके पास जो कोई भी प्लांट टिश्यू है उसमें तीन तरह के टिश्यू होते हैं, डर्मेटोजन जो एक्सटर्नल एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है, पेरिप्लेन जो ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, और प्लीरूम जो क्या करेगा आपके वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करता है. कंटिन्यू डिवाइड होते रहेंगे ये. हम बात करते हैं तो सस्पेंसर हो गया, सस्पेंसर की जो नीचे वाली स्वेल सेल है जो कि सक करने का काम करती है न्यूट्रिएंट्स को, उसे क्या बोल देंगे, सकर सेल. और जो सेल प्रो एम्ब्रियो के साथ कनेक्ट रहती है उसे क्या बोल देते हैं, हाइपोफाइसिस. क्लियर हो गई ये कौन सी सेल कंडीशन है, 16 सेल स्टेज. ठीक है, अब इस 16 सेल स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो थोड़ा हार्ड शेप स्ट्रक्चर ले लेगा. जो प्रो एम्ब्रियो ग्लोबुलर फॉर्म में है ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, हार्ड शेप की फॉर्म में आ जाएगा. आफ्टर दिस स्टेज द राउंड एम्ब्रियो कन्वर्ट इनटू हार्ड शेप्ड एम्ब्रियो. देखते हैं ये हमारी हाइपोफाइसिस हो गई, ये सस्पेंसर की सेल्स, और ये क्या हो गया आपका, सकर सेल. तो ये तो क्या हो गई, सकर सेल, ये सस्पेंसर
और ये क्या हो गई आपकी हाइपोफाइसिस। जो राउंड एम्ब्रियो था इसने किसके फॉर्मेशन कर दिया आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो क्या कर दिया इसने फॉर्मेशन कर दिया। अब जो ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बना था इसके बीच में नॉच का फॉर्मेशन हुआ, ये नॉच अंदर की तरफ ग्रोथ करती जाएगी और ग्रोथ करके क्या कर देगी आपके कॉटिलीडेंस का फॉर्मेशन कर देती है और क्या कर देगी इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो देखते हैं आगे जो नॉच है ये आगे फर्दर बढ़ती जाएगी और जो आपका एम्ब्रियो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा कर्व्ड ले लेगा। देखिए जो नॉच थी वो नॉच क्या हुआ और डेवलप हो गई और थोड़ा अंदर तक चली गई और इस तरीके से इसने किसका फॉर्मेशन कर दिया कॉटिलीडेंस का फॉर्मेशन कर दिया। ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ क्या है ये कॉटिलीडन, कितने बन गए दो बन गए। किसका फॉर्मेशन हो गया ये कॉटिलीडेंस का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे सकल सेल हो गई, ये सस्पेंसर है और ये क्या है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस के ऊपर किसका फॉर्मेशन होता है रेडिकल का, ये रेडिकल क्या करता है आपकी रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो हाइपोफाइसिस के ऊपर क्या कर देगा जो आपकी एम्ब्रियो की जो बेसल सेल्स है वो किसका फॉर्मेशन कर देती है रेडिकल का फॉर्मेशन कर देती है और रेडिकल क्या करेगा रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। ये रेडिकल किसका फॉर्मेशन करता है रूट का। लेकिन जो हाइपोफाइसिस है ये हाइपोफाइसिस क्या करेगा रूट के अपेक्स का फॉर्मेशन करता है यानी कि रूट के कैप का फॉर्मेशन कर देता है। तो क्या बना देगा ये रूट कैप बना देगा। और देखिए आगे इसमें अब ये जो आपके कॉटिलीडन्स है ये कॉटिलीडन एक एक्सिस एम्ब्रियो के एक्सिस के ऊपर फॉर्म रहते हैं तो एम्ब्रियो की एक्सिस हो गई। एम्ब्रियो के एक्सिस पे एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या बोल देते हैं प्लूमूल। क्या करेगा ये प्लूमूल, तो क्या हुआ देखिए ये कॉटिलीडन्स का फॉर्मेशन हो गया, हाइपोफाइसिस ने रूट कैप का फॉर्मेशन रूट अपेक्स का फॉर्मेशन कर दिया। इसके ऊपर हाइपोफाइसिस के ऊपर जो आपकी एम्ब्रियो की जो बेसल सेल्स थे उसने क्या फॉर्मेशन कर दिया रेडिकल का फॉर्मेशन कर दिया। ये रेडिकल क्या बनाएगा रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा और जो कॉटिलीडन्स थे ये कॉटिलीडन्स किसके ऊपर थे एम्ब्रियोनिक एक्सिस के ऊपर, किसके ऊपर थे एम्ब्रियोनिक एक्सिस के ऊपर। इस एक्सिस के ऊपर प्लूमूल प्रेजेंट होता है या प्लूमूल सिचुएटेड होता है जो किसका फॉर्मेशन करता है शूट का। शूट में क्या हो जाएंगे सारे एरियल पार्ट स्टेम लीव्स फ्लावर ये सब किसमें कंटेन होते हैं आपके शूट में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लूमूल क्या करेगा शूट का फॉर्मेशन कर देता है। तो क्या देखा हमने अब देखिए इसमें क्या देखा ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द एपिकल सेल द एम्ब्रियो जो राउंड था वो क्या बन जाएगा आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा और इस हार्ट शेप एम्ब्रियो में टू कॉटिलीडन्स आर लेटर डेवलप्ड, आपके दो कॉटिलीडन्स क्या हो जाएंगे आपके फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है दोनों कॉटिलीडन्स के बीच में क्या होता है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसका जो अपर पार्ट है वो क्या होता है ये आपका अपर पार्ट प्लूमूल का फॉर्मेशन कर देता है और ये प्लूमूल है वो क्या बनाएगा आपका जर्मिनेशन के बाद शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है और जो रेडिकल है वो क्या करेगा रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। जो ये कॉटिलीडन्स है ये कॉटिलीडन क्या करते हैं फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। क्या काम करेंगे ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं और जर्मिनेशन में या सीडलिंग में क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं। तो आज हमने क्या देखा एम्ब्रियोजेनेसिस की फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो क्या होता है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। किस तरीके हमने इसमें देखा कि किस तरीके से हम सिंगल सेलुलर जायगॉट से मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही थैंक यू। और लास्ट देखिए ये जो आपके पास जो एम्ब्रियो या एम्ब्रियो दिखते हैं कैसे सिचुएटेड होता है तो देखिए ये क्या है आपका ओव्यूल, सारी प्रोसेस कहां हो रही है ये एम्ब्रियो सैक में, सारी प्रोसेस कहां पे हो रही है ये सारी प्रोसेस कन्वर्ट हो रही है कहां पे हो रही है एम्ब्रियो सैक में। तो देखिए एम्ब्रियो सैक में आपका जो एम्ब्रियो किस तरीके से सिचुएटेड होता है तो ये एम्ब्रियो ये सस्पेंसर सेल सॉरी ये सकर सेल और ये क्या आपका सस्पेंसर
ये जो सकर सेल है ये एंडोस्पर्म से क्या करेगी, आपके फूड को या न्यूट्रिएंट्स को लेने का काम करती है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसके नोट्स बना लेना। थैंक यू।